अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोगों में? ठीक ठाक होंगे। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि जो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी, समझ नहीं आ रहा गर्मी में। जैसे दिल्ली किचन से काम करके फटाफट बाहर निकल तो ताकि अपने आप को थोड़ी हवा लगाऊँ। और जो है आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पकौड़े की कड़ी बना रही हूँ। पकौड़े वाली कड़ी जो होती है वो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों कैसे बना रही हूँ। बेसन को इस तरह रख दिया है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। मुझे नहीं पता ना, मेरी अम्मी ने कभी मुझे सिखाई थी पकौड़ों की कड़ी बनाना, और ये मेरे पकौड़े इसमें डालने के लिए बनाए। अब खाने के बाद बताएंगे ये कैसी बनी है। और जो है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखो मुझे यहाँ भी बहुत तंग कर रहा है गर्मी की वजह से। और मेरे देखेंगे यहाँ पे एक फंगल इन्फेक्शन हो गया है, नज़र तो नहीं आ रहा होगा, ये देखें। और जो है गर्मी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने सड़क तैयार कर लिया है और ये पकौड़े भी इसमें डाल दिए हैं। मैं इसमें वेरी नाइस चीज बनाई है मम्मा साथ में, देखने में तो अच्छी लग रही है। अब खा के देखेंगे। तो पकौड़े की कड़ी बनाई, खाई और जो है रात हो गई। अब बस ये अब ये इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत होती है इस टाइम पर क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ये आशा की वॉच है, ये आशा का रूम है। ये बच्चे लेटे हैं और रयान ये लेटा है यहाँ पर। इसको मैंने पूरा फुल कवर करके ऐसी टोपी शोपी पहना कर सुला दिया। ये ना झूले में सोते हैं तो इनका झूले ऊपर ले आई मैं, क्योंकि ना इसको नींद नहीं आती है इसी में। पता नहीं क्या मसला है, ये पूरी रात बेचैन रहता है, अजीब सी तो टेंशन रहती है इसी में। तो केशव ऊपर आया है टोपी शोपी पहन के, तो ऊपर आ गया और नीचे देखो चड्डी भी नहीं पहनी। नीचे आया, नीचे आ गया ऊपर। तीनों बच्चा नीचे आ देगा। क्या कर रहा है? ये सब उतार दूं, छत्ती हो रही है, छत्ती हो रही है। ये जान को का हुआ है? ये जान टोपी पहन कर आया पापा की जान की। और जो है ना ये मुझे सोने देता है एसी में, पता नहीं क्या इसको। सांस लेने में मसला है, पता नहीं क्या है, टेंशन ही रहता है ये एसी में ना। तो मैं इसको पूरा दिन तो नीचे रात को ऊपर लाती हूँ। हेलो गाइस, ये हाशिर का फैला हुआ है सब कुछ। इतना गंदा रखते हैं भाई अपना रूम, सफाई नहीं रखते कम भाई के कमरे की। पूरा दिन तो वो नीचे रहते हैं हमारे पास, है ना, है ना। मैं इसको झूला भी उठाकर ऊपर ले आई हूँ ताकि क्या पता ये ऊपर झूले में सो जाए आज। इसने कल मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया ना, गंदा बच्चा। मच्छर ने भी काट लिया यहाँ पे। ऊपर टोपी पहन कर आए और नीचे इनकी चड्डी देखे जरा। ओ शेम 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 शेम, इनका मसला शुरू हो गया, इनको कुछ हो गया। कहा हो गया मैं बेटे को? मम्मा दिखाए मैं कैसे प्यार करती हूँ अपने बच्चे से। ये इनका बच्चा, इनकी अम्मा है ना जैन, आप उनके मम्मा है, आपकी बेटी है ये। मम्मा ने आपकी, आप इनके बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, नो नो नो, पापा की जान, पापा की जान, पापा की चिजाड़ा, पापा का गड्ढा, पापा का जान, पापा का जान। कड़ी बन गई थी, कड़ी बनने के बाद मैं जब खाई तो कड़ी में पकौड़े थोड़े से सख्त हो गए थे क्योंकि जो है मैंने पकौड़े को पानी में नहीं डाला था। पकौड़ों को पानी में डाल के निकालते तो शायद नरम होते। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ, अपने आप को देखने कहाँ चेंज चेंज ही हाशी का रूम और वो सास का रूम जो नीचे है अब सास। तो रूम खाली है, कोई नहीं है रूम में। दिखाती हूँ मैं बैग, रेस हो रही है, यहाँ एक ही बैग पड़ा है छोटी वाली सास का और बड़ी वाली सास नीचे है। तो जी जी फरमाए। तो जो है मैं यहीं पर ब्लॉग, क्योंकि नीचे ना टीवी चल रहा है बहुत तेज़ आवाज़ में, सास फिल्म देखनी है परदेसी परदेसी। तो मैंने कहा मैंने देखी, मेरा दिल अजीब सा हो जाएगा कुछ। तो जो है मैं नमाज़ पढ़कर तस्बीह लेकर ऊपर आ गई हूँ। मैंने कहा चल आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। पकौड़े अपने सख्त हो गए थे थोड़े से, पर पकौड़े कड़ी ख़त्म हो गए, बहुत मज़े की थी। और सेकेंड ये कि हाशिर ने आज ये फरमाइश कर दी कि मम्मा आज बनाए बिरयानी, तो फिर मैं आते हैं बिरयानी लेके। मैंने कहा फिर पापा को बताना मत बिरयानी बनाए क्योंकि उनका दिल थोड़ा सा हो जाता है बिरयानी बनाने में। तो फिर आज बना रहे बिरयानी और उनको देखें। तो बस गर्मी से हालत बुरी है, फेस का भी बहुत बुरा हाल है। थोड़ा सा फैशन वैशन लेना पड़ेगा मुझे अब, क्योंकि अब जो है ना पानी की बहुत फेस पर भी कमी पता चल रही है। और ये स्टोर है, किसने लाइट खोली स्टोर की? मेरा अपनी साइकिल ना स्टोर पे ऐसे रखी हुई है, नई साइकिल ये देखें, क्योंकि मेरा चला नहीं सकती क्योंकि मेरा बहुत छोटी है। और भाई के रूम की लाइट्स भी ऑफ करो,
नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ बिरयानी के लिए, कोरमा रखा हुआ है। चले आपको दिखाते हैं कोरमा भी। सारी लाइट्स बंद करके जाती हूँ। लो ये क्या हुआ, हैंडल हाथ में आ गया मेरे तो। ओ बंद करो भाई, आशे भाई का रूम मारेंगे हमको। आशे का रूम आराम चलते हैं नीचे। यहाँ पर इतनी सारी खिड़की है, बस खिड़की ही खिड़की है घर में ना, पर बहुत अच्छी हवा पास होती है, लेकिन धूप भी बहुत तेज है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और यहीं से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, मज़ा आता है हम बैठ जाए तो। चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे हमने लगाया है वेलकम टू आवर होम, और हम चलिए और ध्यान दादी के पास बैठे। ये दो में क्यों मैं, हाँ क्यों रोना रहे, क्यों रोना रहे ध्यान को, क्यों रोना रहे हाँ? ले बेटा आ जब आप बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। हम आ गए किचन में और हम किचन में बना रहे हैं क्या ध्यान, क्या बना रहे हैं ध्यान? हेलो बोलो, हेलो माचा। मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब 3 महीने का तो हो गया, अब 4 महीने का हो जाएगा 29 मई को। हाँ ना मेरा बेटा, माचा माशा बोले सर पूछिए कब बोले मम्मा। वो देखिए मैं लस्सी बना के फ्रिज में रखी, मीरा की तो बस अरे मुझे पानी है। कोरमा हो गया रेडी, इसमें तेल बाहर आ गया, ये कह रहा है कि बस मैं तैयार हूँ, मसाला मेरा कंप्लीट हो गया था, और चावल निकालते हैं और फिर तैयारी करते हैं चावल बनाने की। और फिर कह रहा है रिजान को बिरयानी। मामा का बेटा है ध्यान बोलो, मामा का बेटे हो आप? हेलो बोलो, हेलो शिजादो परेशान होता है मोबाइल देखते ना परेशान होता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू जी? मेरा बापी कहाँ है? मेरे पानी बोतल आपने लगाई हुई है, लगाएंगे। चलो फ्रेंड्स बिरयानी रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। वो देखो कैमरे पर ही नजर है, मैं जहाँ जा पाऊंगा ना कैमरे का मुंह ही जाएगा मेरे। मैं कैमरे यहाँ करूंगी, कैमरा यहाँ आएगा। चिचाता मम्मा का चिचाता बेटा चिचाता चलो मिलते हैं फिर आपको खाना खिला। फ्रेंड्स तो मेरे हो गए, कौरमा तो रेडी था, मैंने चावल भी बॉयल कर लिए हैं। अब मैं जो है इसमें तय लगा रही हूँ, तय वाली बिरयानी ही बनाती हूँ मैं, और जो है क्योंकि मुझे और दूसरी वाली बिरयानी तो नहीं बनानी आती, वो कैसे बनती है, तो मैं इसमें तय लगाती हूँ। और तय लगाने के बाद फिर मैं जब ये दम हो जाएगी फिर आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मैंने दम लगाने के सब कुछ डाल दिया, बस जो है ना वो नहीं मिला, पुदीना नहीं मिला, और पुदीने के बगैर मुझे सकता है बिरयानी जो है ना इनकम्प्लीट है। तो चले इसको दम करते हैं और दम करने बाद देखते हैं क्या शक्ल निकल आती है इसकी। यही कि अगर आप खाना पकाने खड़े हो तो आप भूत बन जाए, इतनी गर्मी पर मेरे मुझे एलर्जी भी हो रही है गर्मी से हुई शायद। तो बस फ्रेंड्स खाना रेडी करते हैं, और जो है अगर आप लोग किसी को भी मुझसे कोई भी डिश पूछनी हो तो मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से उसका ब्लॉग बनाकर बताऊंगी, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने जब से ड्रेस के कपड़े डाले इतने मैसेज आ रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, मतलब हर कोई प्राइस पूछ के कोई मैं इतने हाई फाई प्राइस नहीं बताया, क्योंकि जो मैंने यूज़ किए हैं मैंने उसमें से आधे से कम डिस्काउंट दिया है, मतलब ड्रेस में, क्योंकि मुझे पहनने ही नहीं है वो कपड़े, तो फिर मैं क्या करूँगी यार। तो मैं सोच रही हूँ वो सेल हो जाए तो अच्छा है, फिर मैं कोई अपने लिए लॉन के सूट ले लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो है ना मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई हो फंगल इन्फेक्शन। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस तरह सही हो, क्योंकि मैं बहुत इलाज करवा लिया, मैंने इसका बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन ये बिल्कुल सही हो रही है। मैं हमें 8 महीने हो गए मुझे जब से मेरी प्रेगनेंसी थी, जब से उसके उस टाइम तो मैं कोई टैबलेट यूज़ नहीं कर सकी, डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना करता, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारा इलाज करवाया, इंजेक्शन भी लगवाए, दवाइयाँ भी ली, लोशंस भी यूज़ करे, क्रीम भी बनवाई डॉक्टर से, पर जो है क्योंकि मैं गर्मी में पसीने में काम करती हूँ, पसीने की वजह से फिर मुझे इसमें खुजली होती है, खुजली होती है फिर ये ज़ख्म बन जाते हैं दोबारा से और फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। तो प्लीज़ किसी के पास कोई ऐसा वो हो क्या बोलते हैं इसका हल हो या कोई इसका इलाज हो तो प्लीज़ मुझे बताएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, अपनी तकलीफ भी संभालनी है, बहुत चीज़ें होती हैं। एक और फ्रेंड फिर खाने रेडी होता है, दम लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मेरा भी दम निकल रहा है अब तो गर्मी से, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो
ड्रेस पसंद आया हो तो प्लीज मुझसे शेयर करें, अगर मैं हो सके और कम उसके प्राइस कर दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास रखे रखे वो ख़राब ना हो कपड़े, किसी के काम आ जाएं, किसी के इस्तेमाल में आ जाएं, कोई पहन ले तो, क्योंकि मैं इतना टाइम जो ना मेरे पास कपड़े रहते हैं ना फिर मुझे भिजेनी शुरू हो जाती है, फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ना चेंज होते रहे कपड़े। मैंने कितने तो अपने कपड़े बहुत सारे थे मेरे पास, शादी के भी कपड़े थे, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन मैंने बच्चे को दे दिए बहुत सारे कपड़े, मैंने इधर उधर बांट दिए, तो बस जो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं ना मैं चाह रही हूँ वो ना कोई सेल हो जाए, तो मैं ताकि उसके ही उससे मैं कोई कपड़े ले लूँ, ताकि मेरा दिल ना दुखे मैंने इतने महंगा ड्रेस लिया था और फिर वो मैंने फिर इस्तेमाल नहीं किया और फिर ये वजह है, इसलिए मैं चाह रही हूँ। तो अगर आप लोगों किसी को भी उसको पसंद आए तो मुझे शेयर करें कि आप भी हमें पसंद है, आप डिस्काउंट करें, आप उसमें थोड़ा सा कभी पेशी करें तो मैं कर दूँगी, बस आपको पसंद आना चाहिए। तो चलें फिर फ्रेंड्स, सांस खूब फूल रही है मेरी, तो चलें फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे खाने बाहर। और आज फिर हस्बैंड के बगैर बिरयानी बन रही है, मैंने आशिक को बोला था कि पापा को आने दो फिर मैं बनाऊंगी बिरयानी, लेकिन आशिक को सबर नहीं हो रहा, कह रहे नहीं पापा के ना आने पर बनाओ, कि पापा जब तक नहीं आएंगे तो मैं बिरयानी नहीं आएंगे, साल नहीं आए, दो साल नहीं आए, तो मैंने कहा अब आपको सबर नहीं है तो क्या करें, बना लेते हैं, तो जब आएंगे हस्बैंड तो उनको भी बिरयानी बना के खिला देंगे, तो हमारे लिए तो ये यूँ चुटकियों का काम है बिरयानी बनाना, जैसे इंसान के लिए कोई दाल चावल बनाना या कुछ चाय बनाने का काम होता है, यही बिरयानी बनाना चुटकियों का काम है। तो बस मैंने कहा चलो एक बात और बता दूँ आपको ना, रेडी और इसके कलर भी आ गए हैं बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार बिरयानी हो, कैमरे उधर रुकना, मज़ेदार बिरयानी मसाले वाली, चले हम बिरयानी खाते हैं और इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।